तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक्स के लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर का। तो यह है ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब म्यूजिक बॉम। प्राइसिंग की बात करी जाए तो 1900 रुपए में आप इसका ब्लू वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्पीकर आपको यहाँ पर थोड़ा फैमिलियर लगने वाला है, वो क्यों उसके लिए आप वीडियो को आगे देखते रहिए। तो आज हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप 2000 रुपए के अंदर एक ब्लूटूथ स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज्ड है क्योंकि ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुआ है। बॉक्स के टॉप में ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब म्यूजिक बॉम की ब्रांडिंग दी गई है। राइट पार्ट में एंड पीछे के पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। टॉप पार्ट में इसकी प्राइसिंग 3199 मेंशन है, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है स्पीकर को चार्ज करने के लिए, एक यूजर मैनुअल, एंड ये रहा मेन स्पीकर। तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो ये आपको स्पीकर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। ये टोटली दिखने में पोट्रॉनिक साउंड ड्रम की तरह है, उसकी तरह ही क्यों, ये बिल्कुल वही स्पीकर है, बस यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग चेंज कर दी गई है। बाकी दोनों स्पीकर टोटली सेम है, बट फिर भी हम इसका कंप्लीट साउंड टेस्ट वगैरह यहाँ पे करेंगे एंड इसके फीचर्स को भी हम चेकआउट करेंगे एंड जानेंगे क्या ये उससे थोड़ा डिफरेंट है या सेम वही स्पीकर है। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है, ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक यूज किया गया है एंड ये दो कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर है, आप इसे कंप्लीटली ब्लैक में भी परचेस कर सकते हैं। टॉप पार्ट में इसका बेस रेडिएटर दिया गया है जिसके ऊपर ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। फ्रंट पार्ट में इसके बटन दिए गए हैं, सबसे पहला है पावर बटन, वॉल्यूम अप, प्ले बटन जिसे आप प्लेन पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को कॉल को रिसीवर रिजेक्ट कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम डाउन बटन। बॉटम पार्ट में इसकी रबर पैडिंग दी गई है ताकि अपनी सर्फेस पे स्टेबल रहे, यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी दी गई है एंड इसके पीछे के पार्ट में इसका आईओ कंपार्टमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर दिया गया है, उसके बाद दिया गया यूएसबी पोर्ट, तो पेन ड्राइव से हम सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। ऑक्स पोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है एंड माइक्रो यूएसबी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए। वेट अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 249 ग्राम इसका वेट है। तो अगर यहाँ पे इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो स्पीकर 10 वॉट के आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें 5-5 वॉट के ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, एंड टॉप पार्ट में इसका बेस रेडिएटर दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 1800 एमएच की बैटरी कैपेसिटी के साथ स्पीकर आता है एंड कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको 10 आवर तक प्ले कर सकते हैं मॉडरेट वॉल्यूम पर, बट अगर आप इसे 70-80% वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो 4-5 घंटे तक आप इसे काफी आराम से प्ले कर सकते हैं। IPX5 की रेटिंग यहाँ पे दी गई है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, तो इसको फटाफट से अपने फोन से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। Experience sound monster. Bluetooth mode. तो यहाँ पे ज़ेब म्यूजिक बॉम लिखा हुआ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। पेयर ज़ेब म्यूजिक बॉम इज नाउ कनेक्टेड। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, बट आप अपने स्पीकर की बैटरी परसेंटेज अपने फोन पे चेक नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि इसमें FM का सपोर्ट भी दिया गया है तो FM को प्ले करके भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो FM मोड पे जाने के लिए आपको इसके पावर बटन को एक बार प्रेस करना है। इसके बाद चैनल स्कैन करने के लिए आपको इसके प्ले बटन को थोड़ी देर प्रेस रखना है एंड ये चैनल को स्कैन करने लगेगा। तो माइक्रो यूएसबी केबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ताकि सिग्नल को अच्छे से कैप्चर कर पाए, बट मैंने इसको जितना भी ट्राई किया FM यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं हुआ, ओनली सिर्फ ये व्हाइट नॉइसेस में आ रही है। क्योंकि मेरे रूम पे सिग्नल की प्रॉब्लम है तो हो सकता है इस वजह से यहाँ पे FM प्ले नहीं हो रहा है, हो सकता है आपके रूम पे अच्छे से ये प्ले हो। तो फटाफट से इसका एक साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज करने वाला हूँ, तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। Hey.
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले इसके बेस की हम बात कर लेते हैं। तो बेस आउटपुट इसका बहुत ज्यादा बूमी या लाउड तो नहीं है, बट 10 वॉट के हिसाब से इसका बेस आउटपुट मुझे परफेक्ट लगा। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिबल्स में डिसेंट परफॉर्म करता है एंड वोकल्स इसके क्रिस्टल क्लियर है। वोकल क्लैरिटी में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। साथ ही अगर इसके डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो अगर आप 80% वॉल्यूम से ऊपर यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन फील होगा। एंड अगर यहाँ पे इसकी लाउडनेस की बात करी जाए तो 10 वॉट के आउटपुट के साथ स्पीकर आता है एंड इसकी लाउडनेस काफ़ी अच्छी है। एक मीडियम साइज के रूम के लिए ये इनफ है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं आप ज़ेब्रोनिक्स के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लग रही है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रॉस की। तो सबसे पहले प्रॉस है काफ़ी पोर्टेबल है तो कैरी करने में काफ़ी आसान है। इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है तो कॉल को डायरेक्टली आप अपने स्पीकर में अटेंड कर सकते हैं। TWS का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है तो आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। एंड इसमें काफ़ी सारे कनेक्टिंग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑक्स के साथ यहाँ पे USB प्ले का सपोर्ट भी दिया गया है एंड FM का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। कॉन्स की बात की जाए तो ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। 2021 चल रहा है तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 तो एटलीस्ट नहीं चाहिए। IPX 5 की रेटिंग यहाँ पे दी गई है, IPX 7 की रेटिंग होता तो और भी बेटर होता। माइक्रो यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे होना चाहिए था एंड इसमें ऑक्स पोर्ट तो दिया गया है बट इसके बॉक्स में ऑक्स केबल प्रोवाइड नहीं की गई है। तो अब इन द लास्ट बात है कि आपको स्पीकर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम एंड ये स्पीकर टोटली सेम है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट स्पीकर लेना चाहते हैं जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, बेस जिसका डिसेंट हो एंड जो काफी लाउड भी हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप साउंड ड्रम लेने की सोच रहे हैं एंड उस दौरान आपको उसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई लग रही है एंड इसकी प्राइसिंग उस दौरान थोड़ी कम है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा आज का वीडियो, तो आपको स्पीकर कैसा लगा एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम ऋतिक, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।